हाँ जी, तो ये अपडेट हो गई है मेरी एप्पल वॉच 7। आज ही इसका नया अपडेट आया था एप्पल वॉच के लिए, अपडेट नंबर 10। तो फिर ये अपडेट हो चुकी है, देखते हैं क्या है कुछ नया है इसमें। हाउ टू लर्न नेविगेट ये सब बता रहा है, प्रेस द डिजिटल क्राउन टू सी द एप्स। ठीक है भाई, यहाँ पर डिजिटल क्राउन प्रेस कर दिया है, ये घड़ी है। प्रेस डिजिटल क्राउन टू रिटर्न योर वॉच फेस, एक बार और प्रेस कर दिया है तो ये वॉच फेस पे आ गई है। प्रेस साइड बटन टू ओपन द कंट्रोल सेंटर। ठीक है, पहले कंट्रोल सेंटर नीचे से स्लाइड अप करते थे उसके बाद आता था, अब कंट्रोल सेंटर में ऐसा कुछ है कि इसको जो है एक बार साइड बटन करते हैं तब तो ये आ जाता है। तो अगर इस बार फिर से एक, चलो प्रेस करते हैं, प्रेस द साइड बटन टू क्लोज द कंट्रोल सेंटर। अच्छा, फिर से यहीं से क्लोज हो जाता है। उसके बाद टर्न द डिजिटल क्राउन टू सी द विजिट्स। ठीक है, अब सीधे यहीं से आ जाता है। भाई साहब, बहुत बड़ा अपडेट है ये तो यार। वेलकम टू द एप्पल वॉच। तो इसके मेन मेन अपडेट्स ये सब हैं। ये देखो, ये साइट का, इसका सारे का सारा ये इंटरफेस चेंज हो गया है। थर्सडे 20 सितंबर है, टिप्स है, कितनी कैलोरीज बर्न वगैरह की हैं सब इसी में आ जाता है। और साइड में लोग नीचे लेके आ गए हैं। पहले इसका जो, ये देखो, पहले इसका जो इंटरफेस था, जो एप्स की लॉन्चिंग थी, वो ऐसे कुछ था इनसाइड आउट की तरफ या आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, पॉप इन या पॉप आउट वाला सिस्टम था। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसा हो गया है कि ये देखो, हल्का सा ये पूरा पूरा स्लाइड होके आता है, और हम इसको ऐसे करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ ये आता है। बाकी लिस्ट व्यू तो है ही है, लिस्ट व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आता है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है लिस्ट व्यू से मैंने कर तो दिया है, वापस उठा के वैसे ही कहीं से करना पड़ेगा। हाँ, ग्रिड व्यू नीचे आ गया, तो मुझे ये वाला व्यू ज़्यादा सही लगता है लिस्ट व्यू की अपेक्षा। और इस तरीके से इसमें है, तो सभी एप्स वगैरह इसमें आ ही जाते हैं, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मेरे लिए ठीक है। और इसके में, इसके अलावा काफ़ी वॉच फेसेस हैं जो कि यहाँ से कहीं से ओपन होंगे। इसको मीमोजी बोलते हैं, यहाँ पे मीमोजी है, ये कुछ नई तरीके का उसमें कुछ आया है अभी। इसमें आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो सारा का सारा। तो पहले मैंने ये लगाया हुआ था शायद, हाँ यही वाला था लगाया हुआ था मेरा। तो स्किन वगैरह यहाँ से इसको ऑन कर दिया है। बाकी और यहाँ पे क्या क्या है, इसको क्राउन को प्रेस कर देते हैं तो सारी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे देखनी है, जो इसके वॉच फेसेस हैं उसमें कुछ नया है कि नहीं। ठीक है, जो वॉच फेसेस हैं ये वाला, इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके बाद ये, यहाँ ये सब वॉच फेसेस हैं मेरे। और इसके अलावा देखते हैं, अगर कोई वॉच फेस इसमें ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। न्यू वॉच फेसेस हैं ये सब। ठीक है, तो ये सब है भाई साहब, बहुत सही सही है। सोलर एनालॉग है, सोलर एनालॉग में भी कई चीज़ आई हैं कि जैसे ये एनालॉग की वॉच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी सुई, वैसे वैसे इसका शेड जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्नूपी, ये नया एनालॉग वॉच इसमें आई है, तो नन, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के नंबर्स वगैरह लिखते हैं तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सही लग रहा है थोड़ा सा। उसके बाद बगल में क्या है, संडे सरप्राइज़, पता नहीं क्या है ये, कलर स्टाइल है ये सब, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया स्कूपी। फिर देखता हूँ एक और, ये जो वाली वॉच फेस है मुझे ये भी थोड़ी सही लग रही, नाइकी, नाइकी की, जो कि अभी नए अपडेट में जो एप्पल वॉच अभी जो लेटेस्ट आई हुई है 9, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बट मुझे जो है ठीक लग रही ब्लू फ्लेम वाली। ठीक है, तो इसको वापस से एडिट अगर करना हो तो यहाँ से उठा के कर सकते हैं। बाकी ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये वाली ठीक है, तो इस तरीके की है। नए अपडेट में बहुत ही शानदार अपडेट है ये, और मैं इसको अभी और इसको खंगा लूँगा, अभी देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। फ़िलहाल तो ये सब चीज़ें हैं, चलो काफ़ी सही अपडेट है, आई एम लाइकिंग इट।